चलिए सबके प्रणाम नमस्कार। लाइव बने भैया शेयर कीजिए लाइव, आज बहुत सारा बात आप लोग से करे खाती हम लाइव आई बनी। आप लोग आशीर्वाद दी अपना भाई के, और सबसे पहले जितना गाना रिलीज हुआ सबके प्यार आशीर्वाद देते नहीं जा। और आप लोग, हम बहुत सारा अपना भाई के कमेंट देखनी है, सॉरी पोस्ट देखनी है। मैं बढ़िया हूँ, नीतीश कुमार, सब जितने लोग भाई देख रहे हैं पहले बात अपना रख ले, उसके बाद आप लोग से बात करेंगे। लोग बोल रहे हैं कि अखिलेश कश्यप को, विवेक सिंह को टीम से हटा दिया गया। देखिए सबसे बड़ी चीज है, हम अपना मैटर, हम अपना आपसे बात कर रहे हैं। अखिलेश कश्यप एक वैसा राइटर है जो बस मेहनत करना जानता है और किसी को प्यार करना जानता है। तो तू लोग इसमें, हमारे कुछ अपने भी लोग इन्वॉल्व हैं, जो हमारे अपने हैं वो लोग भी बुलवा रहे हैं, फेसबुक पे लिखवा रहे हैं तो कोनो बात नहीं है। देखिए अखिलेश कश्यप को कभी इस बात का फर्क पड़ता ही नहीं है कि मैं खेसारी लाल यादव के साथ कभी गलत कर सकता हूँ। ये चीज आप लोग डंके की चोट पे है। जिस दिन अखिलेश कश्यप को लग जाएगा आप लोगों को, और जो बोल रहे हैं, जिस दिन आपको इतना एक रोती भर भी जाए दिन केहू से मिल गई कि अखिलेश कश्यप ने इनके साथ गलत किया है, डंके की चोट पे आप बोलेंगे नहीं, आपको पोस्ट करने की जरूरत नहीं है, ये भोजपुरी ही छोड़ देंगे हम, ठीक है। तो आप लोग प्लीज इस तरीके का गलत रिमर हमारे हमारे लिए, आज तू लोग बोला तरह लोग, आज अखिलेश कश्यप उस दिन भी ग्लोबल से जो पहला स्ट्राइक आया था और हमारे 12 गाने बंद हो गए थे, 12 गाना बंद कर दिया गया। भैया कलन की बाबा उस केस में आप पार्टी है, मतलब आप लोग भोजपुरी में समझिए गवाही आपको देना पड़ेगा। हमने सारे कंपनियों ने ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से एनओसी लिया था, सिर्फ एक था अखिलेश कश्यप जो बोला कि भैया मैं आपके साथ हूँ, मुझे नहीं चाहिए एनओसी। मेरे सारे गाने साल भर तक बंद कर दिए गए। वो दिन का है ना, कोनो जना आके बोल लो मर दे, हर महीने का 10,000 8,000 12,000 डॉलर रहे, और अपना भाषा में बता देते नहीं कि 10 से 12 लाख रुपया हर महीने का नेट। 11 महीना बाद हमारा चैनल खुला था, 11 महीना तक जो इंसान अपना 1 करोड़, हमारे लिए 80 लाख रुपया बहुत मायने रखता है एक राइटर के लिए, वो भी एक वैसे घर से आए हैं जहां अपने दम पे ये पूरा चीज हुआ है। उसमें भैया का सहयोग है, आदिशक्ति के मनोज बाबा का सहयोग था, और हमारे जितने भी भाई लोग बोल रहे हैं, तो ये टाइप के आलचन लगेला आप तो हमें आप गलत बना देंगे, थोड़े देर के लिए मुझे बुरा भी लग जाएगा, लेकिन जानते हैं ये दिल है, इसमें तकलीफ लगती है कि अगर अखिलेश कश्यप को सच्चा अपने ईमानदारी का सबूत आप सबको देने पड़ेगा तो इससे बड़ा दुर्भाग्य मेरे लिए कुछ नहीं होगा। वो ये भोजपुरी में काम करना हमारे जहन के लिए होगा ही नहीं कि मुझे आप लोगों को सबूत देना पड़ेगा कि मैं खेसारी लाल यादव के लिए ईमानदार हूँ। तो प्लीज आप लोग प्यारा इंसान है, या आप लोग भैया के इतना प्यार करी ला कि भैया संगे खराब होला, कुछ गलत होला तो आप लोग के बुरा लगेला, वो कर हम सम्मान करीला, हम बहुत प्यार करीला। देखिए ये एक सोचा समझा हुआ राजनीति है, और हमने के एगो भोजपुरी में कहावत कहल गई बा कि घर फूटे गाँव लूटे, या गाँव फूटे जवार लूटे। तो जब हमारे अपने ही ऐसी गंदा कृत्य कर रहे हैं, अपने ही लोग देख रहे हैं कि कोई मुझे गाली दे रहा है तो उसको शेयर कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कोई मुझे उल्टा बोल रहा है तो उससे उल्टा बुलवाया जा रहा है, तो ये बड़प्पन ना हो ये। और मुझे, मैं कभी, हमारा एक राइटर होना, एक भाई होना, हम खेसारी भैया से 3 रिलेशन में है और तीनों रिलेशन अलग अलग है, ये आप लोग को पता होना चाहिए। हम कहती तो कहीं इंटरव्यू दे के बोल सकत रही, लेकिन आज हमारा भी इतना आप लोग पोस्ट कहले बनी जा कि विवेक अखिलेश कश्यप को टीम से निकाल दिया गया। बहुत सारे मेरे भाई ऐसे थे जो मुझे प्यार करते हैं, उन्होंने मैसेज किया कि भैया आप ऐसा कर सकते हैं, हम इसलिए हम लाइव आए हैं, हमें इस पे लाइव आने की जरूरत नहीं। और हमारा रिलेशन और भैया का रिलेशन
ये चीज आप जान लीजिएगा कि अखिलेश कश्यप ये नहीं है कि खेसारी लाल यादव के पास से गया तो कभी उनके पास जाके काम करेगा, कभी उनके पास करेगा, नहीं, ये नहीं है। उन्होंने इतना काबिल बना दिया है, इतना कैपेबल बना दिया है अखिलेश कश्यप को कि उनके साथ अगर नहीं गए तो ये नहीं है मर्द की जुबान है कि इधर जाएंगे उधर जाएंगे उनके साथ काम करेंगे, नहीं, ये मेरा जमीरे नहीं काम करता है। 8 साल 7 साल काम कैला ना आदमी, 2-4 साल के और जीवन बा माने लाइन में 2-4 साल और मेहनत करी है आदमी, तो 2-4 साल के लिए क्या जाना है, ऐसे ही जी लेंगे आप लोग, बस मस्त रहिए स्वस्थ रहिए। अगर जिस दिन हमारे भैया के फैन जो भी हैं जो प्यार करते हैं जिस दिन बोल देंगे कि अखिलेश भैया आप अब भैया के साथ मत रहिए आप काम मत कीजिए, उस दिन आपका भाई आप लोग से वादा कर देगा कि बाइज्जत भोजपुरी इंडस्ट्री को छोड़ देगा। तो प्लीज आप लोग हमारे जैसे इंसान पे कभी भी इस तरह से कभी सवाल मत उठाइएगा। भाई हमारा लिख रहा है राजीव शर्मा को भी तहरे चलते, राजीव शर्मा को कोई बाहर नहीं किया है, राजीव आज भी हमारे साथ है, राजीव से कभी हमारी दिक्कत हुई नहीं थी, राजीव आज भी हमारे यहाँ रहता है और राजीव को आज भी प्यार करते हैं, आजीवन करते हैं, वो भी हमारा भाई है, मैं भी जानता हूँ कि वो भी अपने रिलेशन में ईमानदार है, वो भी भैया को प्यार करता है। और रहल बात तो पर्सनली अगर जो जिसको भी बोलना है टीम के बारे में ना बोल के, जिसको आपको लग रहा है कि ये चोर है, मान लीजिए अखिलेश से कश्यप चुराया है, अगर आपके पास सबूत है तो आप डायरेक्ट पब्लिक को भ्रमित मत कीजिए, लोगों को भ्रमित मत कीजिए, ये कमजोर करने का साजिश है, ये हम लोग जानते हैं कि एक गाना बजवाने के लिए गाना बनाने के लिए कितना इंसान मेहनत करता है। और उस इंसान को आप लोग जो हम लोग कुछ और चीजें में फंसे हुए हैं और ऊपर से आप लोग इस तरह से ट्रोल करेंगे, ये शोभा नहीं देता है। आदमी के समय है घूमत रहेला, कब घूम के केकरा भी चल जाए क्यों नहीं के जाना, ठीक है आज हम सब एग्रीमेंट हो गया, चाहे हम लोग फंस गए चाहे जो भी हुआ, तो हमारा ये दिन बस छोटे दिन का ये कष्ट है, फिर सब कुछ सही होने वाला है। यही जा तो लोग का से ना का कह दिलन, लेकिन आज तक बताइए ना कि अखिलेश कश्यप ने आज कहाँ अपने कंपनी चलाने के लिए रहता है, क्या करते हैं कंपनी से, कौन सा 3 महीना पे 2 महीना पे गाना छूटेला हमारा कंपनी पे, ये आप लोग भी देख ले बनिए। और बोले कि हम 3 रिलेशन में, एक हमारा दोस्त और भाई वाला रिलेशन सबसे पहला है, वो काम करे ना करे उनको प्यार करते हैं आजीवन करेंगे। दूसरा रिलेशन है राइटर का, हम लोग बैठते हैं गाने पे तो ये नहीं है कि गाना किसी भी कंपनी का होता है किसी भी राइटर का होता है, उसको अगर अपने को लगता है कि कुछ अच्छा कर सकते हैं तो हम लोग बैठ के कर देते हैं गाने की बात। और कंपनी वाली बात, जो जितना गाना आया उसका हिसाब बाइज्जत मिल जाता है भैया को कि भैया ये 10 लाख 8 लाख 12 लाख जो भी हिसाब आपका है गाने का, ये अलग है। तो ऐसे बिना जनले बिना सोचले आप लोग ऐसा मत करिए, कहे से कि हम तो कबो ही ना कहो कि कबो टीम छोड़ा था नहीं चाहे लोग के छोड़ा था नहीं, हम ही एक ही, अगर हमारा जिस दिन छोड़ने वाला पोस्ट आएगा उस दिन ये आएगा कि भोजपुरी छोड़ दिए, तो उस पोस्ट के लिए आप लोग इंतजार कीजिए। ये नहीं अखिलेश कश्यप शुरू से ही डंके के चोट पे कहीं रहा है और अपने लिए हमार गलती बा, हम अपन गलती बता देते नहीं जेकरा ही खटकत, अगर लोगों के लागत हो भैया के केहू बोलेला तो खीस भरेला गुस्सा आवेला, इसलिए कि उनसे हमें प्यार है। और आज तक हम अपने लिए नहीं, भैया को कोई बोल देता है या भैया को जो गाली देता है वो हमारा भी दुश्मन है, वो हम उससे हमारा दुश्मनी रहता है, ये पूरी जग जाहिर है, पूरा दुनिया जानता है, हमारे दिल और दिमाग दोनों में खेसारी लाल यादव है, तो हमें सबूत देने की जरूरत नहीं है। और वो भी आप लोग को है? ऐसे ही अगर आप लोग कृत्य करते रहेंगे ना तो भैया के पास से ऐसे ऐसे लोग दूर हो जाएंगे जिन्हें आप देखने के लिए तरस जाओगे। तो इसलिए आज इतना दिन में पहला बार हमारा तकलीफ लगा कि हमारा के लोग कहत लोग पैसा ले, जो कि जब एग्रीमेंट हुई रहे तो हम आदिशक्ति कंपनी में काम करत रही, ये हमारा पता न रहे कि एग्रीमेंट होता है, खैर वो अलग की बातें हैं, वो हमारी घर की बातें हैं, और हमारी घर की बातें अगर बाहर आ रही हैं तो हमारे घर के ही लोग बाहर कर रहे हैं, इसमें दूसरा नहीं है कोई, क्योंकि हमारे घर में ही आपस में ही इनसे उनको दिक्कत है उनसे इनको दिक्कत है। और रहल बात छोड़े के तो ई तो अपना माइंड में से निकाल दी हलो, कतनो राजनीति कर लेवल लोग काम करे आवेला, लिखते हैं और वो गाते हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं,
तो छोड़े वाला बात, समर सिंह से भी दुश्मनी मोड़ दिए। समर सिंह गए लोहन मारे तो दुश्मनी मोड़ लिए, मैंने शूटिंग पर जेब मारे तो केहू चुप हो जाए। वो बात भी हमारा था, उसमें भी गलत हुआ था तो हमने बोला था। तो चलिए, आप लोग का जो भी है, जो भी बातें हैं, सबका हमको लग रहा है कि क्लियर। और मुझे सबूत, का चीज के सबूत हमको देना है ये बताइए। हमें अपनी ईमानदारी का सबूत देना है या हमें अपने बेईमानी, ठीक बात, हमें अपने ईमानदारी का सबूत देना है, क्या चीज का सबूत हम आपको दे? आप होते कौन है सबूत लेने वाले? ये आपको भी पता है कि वैसे इंसान को आप लोग हमेशा ट्रोल करते हैं। हमें मैंने काहे ना हतना लुक बाड़ो, काहे ना कुछ हो जाला। आज हर वो गाना आता है तो अखिलेश कश्यप हर वो गाने को बोलता है आप सबको प्यार दीजिए, मोहब्बत दीजिए। तो हम खराब हो गए, उनको अगर कोई बोल दिया तो चलिए ठीक है। आज से अगर आप लोगों के यही दिक्कत है तो कोई भी भैया को कुछ बोलेगा हमें चुप रहना है। अगर हम विवाद में लाते हैं, अगर हमसे विवाद हो जाता है तो हम साइलेंट रहेंगे, हम अपना काम करेंगे। ऐसा नहीं है, जिसको आप प्यार करोगे ना, और कोई दूसरा पर्सन उसे अगर गलत बोलेगा तो आपको लिटरली बुरा लगता है, जिससे आप सच्चे दिल से प्यार करते हो। और मुझे और खेसारी भैया के रिलेशन के बारे में आप सबको सबूत देने की, भैया के जो फैन है, जो प्यार करने वाले लोग हैं, वो जानते हैं कि खेसारी लाल यादव यहाँ बसते हैं अखिलेश कश्यप के लिए। और जिस दिन वो हमारे जीवन में नहीं रहेंगे उस दिन ये भोजपुरी हमारे लिए, हमारा पहचान, हमारा नाम खेसारी लाल यादव से है, ठीक है। तो इस तरह से वैसे इंसान पे आप जो टिप्पणी और धब्बा लगा रहे हैं, आज तक हमने कभी आप लोग बहुत कुछ बोलते थे, आप लोग बोलते थे चोरी का गाना लाता है, भैया को विवाद में रखता है, सब कुछ बोलते थे, मुझे बर्दाश्त होता था, चलिए भाई जाने दीजिए, आप लोग गुस्साते हैं कुछ भी बोलते हैं। लेकिन ये जो बात आई यहाँ पे ईमानदारी वाली, अपने लिटरली इंसानियत पे, ये मुझे बुरा लगा आप सबका। ये एक छोटे से कृत्य और एक साजिश के तहत मुझे बदनाम किया गया, मुझे बताया गया कि मैं खेसारी भैया को फंसा दिया, मैं पैसा ले लिया भगवान की कृपा से। और 2000 के गीत लिखत रही, 2000 से 2 लाख तक औकात भगवान को देने, वहां सबके देन रहे, आप लोग की मोहब्बत रहे और भैया का सपोर्ट था तो आज यहाँ तक है। हमारा जरूरत नहीं थे, हम लोग जहाँ हैं जैसे हैं खुश हैं, जितना में है बम बम रहते हैं। हमें होड़ नहीं लगी है, मुझे करोड़पति अरबपति हमने के नहीं के बने के, एकरा से ज्यादा जीवन में ना चाहिए। एक राइटर ने तो आके भोजपुरी को सिखा दिया कि राइटरों का भी औकात होना चाहिए, राइटर के पास भी पैसा होना चाहिए, उसका भी एक वजूद होना चाहिए। ये अखिलेश कश्यप ने आप सबको बताया है कि राइटर की भी एक अपनी जिंदगी होती है और राइटरों का भी एक साम्राज्य होता है। तो आप लोग निश्चित रहिए और आप लोग ऐसे ही प्यार देते रहिए। और ये कौन, ये लाइव में बिना बकचोदी की इज्जत से बात करना है, बिना अटर पटर लिखबो तुरंत ब्लॉक होइबो, आ भेटैबो तो पिटैबो करबो। ऐसे हमारे लाइव में इज्जत से बोलो। और जो भी हमारे भैया के फैन है, वो प्यार करते हैं, वो प्यार करते हैं तो उनका सवाल करने का भी हक है, आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हमें अपने रिलेशन पे, अपने मोहब्बत पे सबूत देने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि मेरा रिलेशन कितना मजबूत है, और आपके जैसे 2-4 लोगों के कहने से मेरा रिलेशन और मेरा प्यार कभी कम होने वाला नहीं है। आप मुझे कितना भी गलत बना देंगे, खेसारी लाल यादव के लिए आजीवन अखिलेश कश्यप था, आजीवन रहेगा, या फर्क ना पड़ेगा। जे जाकर मेहनत करने जानते हैं, गाना लिखीला लिखे आवेला, बजवाते हैं डंके की चोट पे बोलते हैं, जौन लिखते हैं तौन बाजेला, राजनीत को के जा तक नहीं खियाल, मेहनत को ख्याल बनी, अपने मेहनत के दम पे यहाँ तक हैं। किसी का वो नहीं किए हैं कि आप उनको टीम से हटवा दो, उनको हटवा दो, आप अपनी कैपेसिटी खत्म, अब राजनीत चालू। नहीं, मुझे लिखने आता है, गर्व होता है, अपने आप पे घमंड है इस बात का कि हम लिखी ला, हम मेहनत करे जानी ला, और हम मेहनती इंसान के संगे रही ला, यही बात के घमंड रहेला, ठीक है। तो आप राजनीत जहाँ करना है वहां कीजिए, अखिलेश कश्यप आजीवन उनका था, आजीवन रहेगा। आपके कहने से हमारे रिलेशन कभी कमजोर नहीं होंगे। ये फेसबुक पर जो पोस्ट चला था, एकरा पर थोड़ा सा
आप लोग हमारा प्रति हमारा नाम मत लीजिए, आप लोग को जो बोलना है वो बोलिए, क्योंकि इसमें अखिलेश कश्यप का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मैं जानता तक नहीं हूँ इस एग्रीमेंट के बारे में, शुरू से डे वन से जब एग्रीमेंट हुआ था उस टाइम मैं आदिशक्ति कंपनी में काम करता था, ये आप सबको पता है। चलिए आप सब प्यार आशीर्वाद दीजिए अपने भाई को, और मुझे पता है कि मेरा विरोध करने वाले वो दो चार चमन चूतिए हैं जिनका बर्थडे के वीडियो ना बोलवा पैनी, जेकरा के पैसा मंगलन ना दे पैनी, तो वो हमारा बारे में उल्टा बोली है। ए में कोनो डाउट नहीं कि कौन है कौन नहीं, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है। वो लोग के प्रमोशन करी लोग तो वो लोग के पिए खाती, वो लोग के काम हुनका के बोले खाती, उनकर दिन भर फोन उनका विश्व समाज के बर्थडे बोले खाती बुलवावे खाती टेंडर ले ले तो ठीक हो जी, तो ये हमारा से ना हो। हमेशा हम अपने अपने मन के राजा हैं और हमने कभी किसी का बिगाड़ा नहीं, इसलिए हम यहाँ तक हैं, यह आपको पता है। हमने हमेशा अपने ईमानदारी से काम किया है, मैंने किसी का घर नहीं उजाड़ा है, मैंने किसी के पेट पे लात नहीं मारा है, मैं अपने मेहनत पे रहता हूँ, जिसके किस्मत में जितना रहता है उतना मिलता है। तो मुझे इस बात को नहीं बोलना है कि मेरा कौन मुझे क्या बोल देगा क्या कर देगा। तो आप लोग बस आशीर्वाद प्यार बनाए रखिए, मोहब्बत देते रहिए अपने हिट मशीन को, अपने कश्यप कहर को, और ऐसे ही धूल उड़ा के गर्दा करके रुआ सभी लोग विरोध करत रही लोग 4 लाख रील पहुंचल बा। जब जब मेरा गाना आता है तब तब राजनीति करके इस पे विरोध किया जाता है, गाना रुक जाए गाने के जहाँ गाना बाजे लगेला तो और मिर्ची लगेला, क्योंकि हमारा नाम अखिलेश कश्यप लिखीला तो बजबे करेला। तो बस मुझे अपने ईमानदारी पे अपने भाईचारा पे सबूत नहीं देना है। हर हर महादेव, जय माता दी।